तो गुड आफ्टरनून और स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं और आई नो कि ये बहुत ज़्यादा ऑड टाइम है, बट हमें शूट करना था और इस टाइम पे जिम में कोई भी नहीं होता, कोई भी नहीं मतलब क्राउड थोड़ा कम होता है। सो आज है हमारा चेस्ट डे और आपको पता है चेस्ट डे वेस्ट डे। तो आज के चेस्ट डे का बेसिक प्लान हम 6 सेट्स चेस्ट के लिए करेंगे और 6 सेट शोल्डर के लिए। और ये चेस्ट डे मेरे कैलोरी डेफिसिट का पहला चेस्ट है। मैंने लेग्स तो किए थे और वो रिकॉर्ड किए, बाकी डेज मैंने रिकॉर्ड नहीं किए। सो आज का ये पहला चेस्ट डे होगा, सो देखते हैं कैसे जाता है। तो लास्ट चेस्ट डे के दिन जिस दिन मैंने शूट किया था उस दिन हमें 8 रेप्स मिले थे, बट तब टेम्पो थोड़ा ख़राब था। बट आज कैलोरी डेफिसिट में देखते हैं 8 रेप्स भी जाते हैं कि नहीं। सो लेट्स सी। अभी जस्ट मैंने फुटेज चेक की और मेरे जिम पार्टनर को भी पूछा, मेरा टेम्पो इस बार सही था और कैलोरी डेफिसिट में 7 रेप्स और अच्छे टेम्पो पे मैं इससे खुश हूँ। और ते हमारे आगे के ट्रेनिंग सेशंस कैसे जाते हैं। तो एक स्ट्रेंथ फोकस सेट के बाद ये हमारा थोड़ा बॉडी बिल्डिंग स्टाइल या हाइपरट्रॉफिक सेट होगा। सो ये करण की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे एटलीस्ट 12 रेप्स आए। सो लेट्स गो। लास्ट टू सोड़ी रेप्स लास्ट ऑल योर्स। पुश 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 वन मोर। गो 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 सोड़ लो। ये जो 25 का सेट था ये एक बैक ऑफ सेट था, लेकिन मैं 30s के साथ भी एक और सेट कर सकता था जहाँ पे मैं इजीली 6 रेप्स तक जाता। बट मेरा जो ट्रेनिंग स्टाइल है उसमें मैं हर मसल ग्रुप के लिए एक सेट स्ट्रेंथ फोकस करता हूँ, उसके बाद सारे सेट बॉडी बिल्डिंग स्टाइल या आप हाइपरट्रॉफी बोल लो। सो ये जो 25 का सेट था वो मैं बियॉन्ड फेलियर तक लेके गया, ऑलमोस्ट 13 रेप्स गए और क्लिप भी चेक किया, मेरा टेम्पो भी सही था, करण ने भी बोला कि टेम्पो वॉज गुड। सो यही है, हर किसी की अलग अलग ट्रेनिंग स्टाइल होती है, ये मेरी ट्रेनिंग स्टाइल है और ये मुझे पसंद आती है। डन विद द 4 सेट्स फॉर चेस्ट और अभी हम शिफ्ट हो गए शोल्डर्स पे। अभी शोल्डर्स के लिए हम 3 सेट OHP पे करेंगे और 3 हम लैटरल रेजेस पे करेंगे। तो फिर उसके बाद 2 सेट्स फ्लाइज के करके हमारा चेस्ट डे ख़त्म होगा। में जो वज़न है वो 20 kgs है और इससे हम ये सेट 40-60 सेकेंड के लिए खींचेंगे और आगे के सेट इस सेट से प्लान करेंगे कि हमको कम करना है या सेम वेट रखना है। सो लेट्स गो। Say.
स्लो स्लो होल्ड होल्ड पुश इजी 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 मैन चल स्लो पुश पुश चल 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 वन मोर स्लो पुश हमारा जो OHP का पहला सेट था वो ऑलमोस्ट 55 सेकंड्स के लिए गया सो हम सेम वेट के साथ करेंगे और मुझे लगता है हम तीसरा सेट भी सेम वेट के साथ करेंगे सो करण मुझे स्पॉट के लिए है सो चेक करते हैं कैसे जाता है अप 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 स्लो डन सॉरी डंबल्स गाइस मैं आज करण के साथ ट्रेन कर रहा हूँ और हमने इससे पहले बैक डे किया था और मैंने आज करण को टाइम अंडर टेंशन से इंट्रोड्यूस किया तो उसे पता था बट वो करता नहीं था राइट हाँ सो तुझा एक्सपीरियंस था तो एक्चुअली मैंने साकेत के वीडियोस में और अवधूत के वीडियोस में साथ में देखा है कि टाइम अंडर टेंशन कैसा होता है बट आज मुझे फर्स्ट हैंड मैंने एक्सपीरियंस किया एंड आई हैव टू से दिस इज़ द मोस्ट एक्सप्लोसिव पंप दैट आई एवर हैड इससे अच्छा पंप मुझे आज तक नहीं आया विद दिस काइंड ऑफ लाइट वेट्स क्योंकि अवधूत मेरे पीछे है और मैं टाइम अंडर टेंशन कर रहा हूँ तो इसके वजह से लाइट वेट से भी जो अमाउंट ऑफ पंप मुझे आ रहा है जो अमाउंट ऑफ पंप मैं फील कर रहा हूँ इसके पहले मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया मैं हमेशा 30 किलो के डंबल से 6 to 8 रेप्स पंप करता था बट नाउ विथ 22 आई एम स्ट्रगलिंग टू इवन गेट 30-35-40 सेकेंड्स सो इट्स अ रियली वंडरफुल एक्सपीरियंस एंड ऑल थैंक्स टू अवधूत दैट ही Behind me, he's supporting me to get those last 5 seconds, 10 seconds. Also you. और मेरा भी इतना कभी ज़्यादा फेलियर तक नहीं जाता आज करण पीछे है सो मैं बियॉन्ड फेलियर जा रहा हूँ हर सेट 45 प्लस जा रहा हूँ सो मुझे लग रहा था कि नहीं जाएगा बट कैलोरी डेफिसिट में भी करण की वजह से हम ज़्यादा पुश कर पा रहे हैं सो अभी OHP के 3 सेट खत्म हो गए सो हम जाएंगे लैटरल रेजेस के लिए डन विद द वर्कआउट बॉयज करण के वजह से एकदम अच्छा पंप आया पिक्चर्स भी अच्छा है आपको थंबनेल में देखा होगा आपने वो इसी इसका होगा और थोड़े फुटेज भी अच्छा है वर्कआउट भी अच्छा हुआ और इतने जल्दी शूट और वर्कआउट मेरा कभी जल्दी नहीं होता जब वर्कआउट करता हूँ तो 45 मिनट्स में होता है और जब शूट करना पड़ता है तो 2 या 2.5 घंटे चले जाता है बट करण की वजह से आज जल्दी हो गया ऑल थैंक्स टू हिम ये है वो बंदा जिसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं मैंने भी आज टाइम अंडर टेंशन अवधूत से सीखा तो बहुत मज़ा आया इतने लाइट वेट्स में आज तक इतना अच्छा पंप कभी नहीं आया मुझे यस हंगामर मास नाही पण टाकलेला खात नाही परिस्थिती वाईट तरी मन मारून राहत नाही नात्यांची धागे जोडून किशानी फाटलाय मैदानी खेळ खेळून चिकलानी माकलाय मी पुस्तक